उड़ीसा रेल हादसे के इर्द गिर्द कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो आपको चौंका देगी। रेलवे के एक अधिकारी ने फरवरी में ही इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की चेतावनी दे दी थी। गड़बड़ी की एक घटना भी सामने आई थी। अधिकारी ने पत्र लिखकर यह चेतावनी दी थी। उड़ीसा रेल हादसे की जांच अब सीबीआई कर रही है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी बताया गया है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने फरवरी में ही इंटरलॉकिंग की विफलता के बारे में चिंता जताई थी और तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों ने सिस्टम में गंभीर खामियों के बारे में चेतावनी दी थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे के एक प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने फरवरी में एक एक्सप्रेस ट्रेन के सिग्नल फेल होने का मुद्दा उठाया था। एक पत्र में उन्होंने 8 फरवरी को मैसूर मंडल के बिरूर चिकजाजुर खंड के होसदुर्गा रोड स्टेशन पर हुई एक घटना पर सवाल उठाए थे। इस पत्र में उन्होंने सिस्टम में गंभीर खामी की बात कही थी। अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि सिग्नल मिलने पर ट्रेन चलने के बाद डिस्पैच ट्रेनों के रूट बदल रहे थे। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के गलत ट्रैक पर जाने के बावजूद सिस्टम मॉनिटरिंग स्टेशन SMS पैनल में ट्रेन का मूवमेंट मूल इच्छित स्वरूप के साथ ही दिख रहा था, यानी गलती पैनल में नहीं नजर आ रही थी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर सिग्नल रखरखाव प्रणाली की निगरानी नहीं की गई और इसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो इससे पुनरावृत्ति और गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है।